बस एक गलती जो थी ढाबा मालिक ने वहां पर कर दी और ये पूरा कांड वहां पर। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात हुई ढाबा ओनर के साथ, जो सर्कल जिसके फेस पे किया हुआ है ये वो बंदा जो गाड़ी लेने आया वहां, 4 महीने कहीं एक जगह पर गाड़ी खड़ा करना ढाबे पे। दोस्तों एक ओनर कम ड्राइवर की कहानी है आज ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसकी एक साइड पिता को हार्ट अटैक हो जाता है और दूसरी तरफ उसकी गाड़ी चली गई। बहुत ही अफसोसनाक ये घटना हुई है। पूरा घटनाक्रम क्या है मैं आपको बताऊंगा और कहां की ये घटना है, क्या इससे सीख लेने वाली है वो भी मैं बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम है मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों सुनील कुमार है, महाराष्ट्र का नंबर है गाड़ी पर, शोकले लैंड 3516 मॉडल 2010 की ये गाड़ी है और फाइनेंस इसके ऊपर हुआ हुआ है। सुनील कुमार तिवारी इनका नाम है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र का नंबर है, यूपी के रहने वाले हैं और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो असम की है। दोस्तों हुआ ये है कि जिस दिन ये घटना हुई 28 जून 2023 की ये घटना है, उस समय सुनील खुद ही अपनी गाड़ी के मालिक हैं और खुद ही गाड़ी चालक हैं। तो ये उस समय असम में थे और इनको एक फ़ोन आता है कि आपके पिता को या तो अधरंग का अटैक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप जल्दी वापस आ जाओ। तो वहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि गाड़ी लेकर वापस नहीं आ सकते थे, तो इन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर जो ढाबा था, एक यूपी पंजाब ढाबा के नाम से, वहाँ पर सारी बात जो ढाबा ओनर को बताई और एक पेट्रोल पंप है वहाँ के साथ ही उसमें ढाबा बना हुआ है, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को और खड़ा करके और 100 रुपये पर डे की बात हुई। ढाबा ओनर ने बोला मैं लूँगा और तुम गाड़ी खड़ी कर दो, तो वो अपने गाँव जो था वो फटाफट वहाँ से वापस आ गया। वापस आके उनके पिताजी का क्या हालचाल हुआ वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन काफ़ी दिन तो ऑब्वियसली उसमें निकल गए, हॉस्पिटल ये वो सारा में निकल गए। तो ट्रक वापस वहाँ पर खड़ा था, तो जो वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वो देके आया था ढाबा ओनर को और वहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह ढाबे की गाड़ी की खींच कर लाया था। तो लेकिन वहाँ पर पिताजी की हालत ठीक नहीं थी तो वो जा नहीं पाया, लेकिन हर कुछ 10-15 दिन बाद वो ड्राइवर जो ढाबा ओनर था उसको फ़ोन करके पूछ लेता था कि मेरी गाड़ी ठीक है, वो बोलता था हाँ ठीक है यहीं पर खड़ी है। तो ये ऐसे चलता रहा तो वो थोड़ा निश्चिंत हो गया। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने गुजर गए, 4 महीने के करीब गुजर गए ऐसा लगा, और कुछ ही दिन पहले उसने पूछा था उससे तो उसने बोला कि हाँ गाड़ी खड़ी है। लेकिन 3-4 महीने बाद जब वहाँ पर उसने एक ड्राइवर अपने किसी दोस्त को भेजा या कौन था उस ड्राइवर को वहाँ पर भेजा गाड़ी लेने के लिए, तो गाड़ी जब वो लेने वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। तो ढाबा मालिक से बात हुई कि भाई गाड़ी कहाँ गई, इधर उधर सब पूछा तो पैनिक हो गया एकदम से। तो उसने पूछा कि गाड़ी तो आप लोग ले गए, उसने बोला कि नहीं हम में से तो कोई गाड़ी लेने नहीं आया। तो उसने बोला कि नहीं आपके गाड़ी मालिक ने एक बंदा भेजा था और उसका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो हुआ ये दोस्तों कि एक बंदा वहाँ पर गाड़ी लेने पहुँच गया इन बिटवीन, उस बंदे ने आपकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये जो सर्कल जिसके फेस पे किया हुआ है ये वो बंदा जो गाड़ी लेने आया वहाँ, इसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, RC, उसी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वगैरह उस ढाबा ओनर को दिए और बोला कि मुझे गाड़ी मालिक ने भेजा है, ये देखो गाड़ी के कागज़ मेरे पास हैं और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे गाड़ी लेके जानी है। तो ढाबा ओनर ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ समझदारी करने की कोशिश करी, उसने सबसे पहले तो गाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी और उसकी फ़ोटो खिंचवाई। आप देख सकते हैं ये वाला बंदा ढाबा ओनर है और ये वाला बंदा है जो गाड़ी लेने आया था। अब उसने गाड़ी उसने कागज़ भी मांगे, उसने कागज़ दिखा दिए और उसके बाद उसने एक अंग्रेज़ी में एक छोटा सा नोट भी लिखवा लिया कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ ऐसा ऐसा, तो वो भी उसने पूरी कार्रवाई करी और उस गाड़ी को जाने दिया और ये सब हो गया। और जब उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब हमने तो किसी को नहीं भेजा ये तो, और बाद में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे, वो सब फर्जी थे। अब ये कांड हो गया जी वहाँ पर, गाड़ी एक्चुअल में 3-4 महीने खड़ी रही, तो जो रेगुलर लोग गुजरते हैं इस तरह के लोग, हर तरह का बंदा है तो वो देखते होंगे, हो सकता है ये बंदा खुद कभी ढाबे पर रुकता हो कि गाड़ी ऐसी क्यों खड़ी है, बातों बातों में पूछ लिया होगा कभी या उसके दोस्त ने, तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई और इस तरीके से गाड़ी वहाँ पर लेके वो रफू चक्कर हो गए। गाड़ी जैसे आपको पता ही है कि अब कितनी महीने पुरानी बात है, तो गाड़ी अब तक नहीं मिली है। उस टाइम वहाँ पर ड्राइवर को बोला कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वालों ने नहीं बोला कि गाड़ी मालिक को भेजो, गाड़ी मालिक आया, गाड़ी मालिक को बोला कि हमसे पूछ के खड़ी करी थी, हम जिम्मेवार नहीं हैं, कोई हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं हुआ और वो जो थी वो गाड़ी आज तक नहीं मिली। इसमें गाड़ी मालिक ने 21,000 रुपये का इनाम भी रखा कि जो मेरी गाड़ी के बारे में बताएगा, लेकिन गाड़ियाँ इस तरीके की वो खुर्द बुर्द कर दी जाती हैं कुछ ही दिनों में, तो मिलने के चांसेस बहुत ही कम थे उस समय भी, अब तो खैर क्या मिलने। तो इंश्योरेंस लेने में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत आई है, गाड़ी का जो क्लेम है वो अभी तक नहीं मिला है।
तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आई है और काफ़ी चक्कर मारे गाड़ी मालिक ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। एसपी के पास, पुलिस ऑफिसर्स बड़े से बड़े के पास गए, कोर्ट में गए, सब कुछ हुआ, लेकिन गाड़ी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात हुई ढाबा ओनर के साथ, और वो बात क्या हुई उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीमा गाड़ी का अगर कराना हो तो बहुत जेन्युइन बंदे से कराओ, जिसको जानकारी हो कि कल को कोई नुकसान हो गया तो उस वो आपकी हेल्प कर पाए। तो ऐसे लोग हैं ट्रांसपोर्ट मॉल, हमारी कंपनी है 9831 9831 पर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट भेजिए और आपको बढ़िया अगर टेंशन फ्री बीमा चाहिए सही रेट पर और जो चीज़ बोलेंगे वही चाहिए तो आप ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा ज़रूर कराएं। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर। जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने उस ढाबा मालिक के साथ फ़ोन पर बात करी हाल ही में, तो उसने बोला कि मैंने सब कुछ किया, मैंने फ़ोटो ली, ये करा वो करा। और अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं कि उसने 100 रुपये डेली की बात करी थी तो 4 महीने का 12,000 रुपये हो गया, तो उसने अपने 12,000 उसने दे दिए, उसने फटाफट जेब में डाल लिया कि चलो 12,000 रुपये बन रहा है तो बंदा आधे सवाल तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी हो गया। तो उसमें हमने उसे पूछा कि तुम्हें जब वो गाड़ी मालिक नंबर दे के गया था तो तुम्हें उस पर फ़ोन करना चाहिए था, है ना, तो कभी मैं गाड़ी दे दूं कि नहीं। तो उसने बोला कि हुआ ये कि उसी बंदे ने फ़ोन मिला दिया कि ये लो गाड़ी मालिक से बात कर लो। तो अब किसी से भी बंदे से फ़ोन पे बात करा दो क्या पता चलता है। तो उसने बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ गाड़ी खड़ी करके गया था ये वो, तो उसने उससे लगा कि मैं गाड़ी मालिक से बात कर रहा हूँ, लेकिन खुद फ़ोन नहीं मिलाया। बस एक गलती जो थी ढाबा मालिक ने वहाँ पर कर दी और ये पूरा कांड वहाँ पर हो। और अब जो ढाबा मालिक है वो ये कह रहा है कि मैंने तो ढाबा ही छोड़ दिया, ये ढाबा मेरा है ही नहीं, मैं तो वैसे ठेके पर लिया था या ये सब है। तो अब वो उसे भी पल्ला झाड़ दिया है, गाड़ी भी नहीं मिली है। तो ये पूरे उसमें सुनील कुमार जी फंस गए हैं, सुनील कुमार तिवारी। और यहाँ पर एक देखो गलती सुनील कुमार जी की, एक तो मजबूरी हो गई मैं मानता हूँ, लेकिन 4 महीने कहीं एक जगह पर गाड़ी खड़ा करना ढाबे पे, इतने भी हालात अच्छे नहीं हैं हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर के, हाईवेज़ के ऊपर हम जानते हैं, चलती चलती गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं यार, 4-4 महीने एक जगह पर गाड़ी, वो भी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर कितने खतरनाक कांड हम अक्सर सुनते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर सुनते हैं, तो इतनी देर तक गाड़ी खड़ी करना ही वहाँ पर शायद सबसे बड़ी सुनील की गलती। मेरी सर टेलर गाड़ी है, एम्प्टी गाड़ी थी खाली सर, उसमें काफ़ी सामान भी हैं और अभी लोन भी चल रहा है सर उस पर, और ना तो यहाँ कोई प्रशासन सुन रहा है ना एसपी सुन रहा है। मैंने यहाँ पे लोकल न्यूज़ वालों से भी बात की, वो लोगों ने भी इस खबर को दिखाने से मना कर दिया। मैं सर यहाँ कोकराझार में बहुत परेशान हूँ, गोसाई गांव में दौड़ रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। सर ये ढाबे का एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट कोकराझार गोसाई गांव, जय माँ गांव का नाम है, यूपी पंजाब ढाबा, नियर संजीवनी पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, श्रीरामपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर ये कोकराझार साइड में आप चलेंगे तो आपको मिलेगा। इस पे मेरी सभी भाइयों, ड्राइवर भाइयों और मोटर मालिक से जो आसाम रोड चल रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके इस ढाबे पे अपनी गाड़ी पार्क ना करें। आम आदमी परेशान है, आज 20-25 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, ना तो थाना सुन रही है ना पुलिस सुन रही है। मेरी ट्रांसपोर्ट टीवी से गुजारिश है कृपा करके मेरी मदद की जाए। मैं बड़ी उम्मीद से ट्रांसपोर्ट टीवी को कॉल करके बातचीत किया, उसके बाद से मैं विनती कर रहा हूँ कि मेरी इस खबर को कृपा करके दिखाई जाए और मेरी सभी आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ऑल साउथ मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर यह गाड़ी आपको किसी को भी दिखती है तो कृपा करके इस नंबर पर फ़ोन करें 9867507335, दूसरा नंबर है 8787235489। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।